जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी में आपका स्वागत है। आज मैं जिला अलवर राजस्थान और तहसील तिजारा से हमारे संदीप यादव जी विधायक हैं, वो अपनी आज बागवानी का काम स्टार्ट कर रहे हैं जो आप देख पा रहे हो। इधर ये हम 2x2 या 3x3 के गड्ढे कर रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं विधायक जी से कि इन्होंने बागवानी के बारे में क्यों सोचा। अभी लॉकडाउन के समय में लगातार फ्लैट में या घर में रहने का मौका मिला और लगातार घर में रहते रहते ऐसा महसूस हुआ कि लगातार घर में अंदर नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में आती जा रही थी। इस तरीके से कोरोना महामारी ने विकराल रूप लिया और उस समय जब मरीजों को तड़पते देखा ऑक्सीजन के कारण, तो मेरा मन बना, मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ फार्म पर गया था और वहाँ जो सुकून मिला, तो उसी दिन मन बना कि मैं भी मेरे यहाँ बागवानी करूँ और ऐसे समय में जब भी फ्री और जब भी समय मिले पेड़ पौधे के बीच में बागवानी करके और वहाँ पे जाके सुकून के पल मैं अपने जगह पे बिता सकूँ। आपने सर क्या क्या तैयारी की है इसके लिए? तार फेंसिंग है, गड्ढे अभी तार फेंसिंग हो रही है, साथ में यहाँ पर हमने जो प्लानिंग की है उसमें अपने घर की खेती जो है गेहूँ भी उगाएंगे, नेचुरल जो उससे सोर्सेज से जो अपने यहाँ पर सब्जी भी उगाएंगे जिसमें खाद वगैरह दवाइयाँ वगैरह नहीं होगी, देसी खाद से हम यहाँ ऑर्गेनिक साथ ही यहाँ पर करीब अभी हमने 4 बीघा ज़मीन ली है जिसमें हम लोग इसमें पेड़ लगाएंगे। तारबंदी होगी, तारबंदी के साथ हेज का काम भी करेगी और गर्म हवाओं को रोकने का काम भी करेगी, बाढ़ का काम भी करेगी। करौंदा, तो उसमें हम करौंदा लगाएंगे जी। बीच में हमने अमरूद का भी लिया है, कुछ मिक्स फ्रूट रखेंगे बीच बीच में, फ्रूट के जो पेड़ है, फलदार वृक्ष भी और छायादार वृक्ष भी बीच में हमने लिए हैं। उसके अलावा बाकी ज़मीन में पूरा जो है एक उन्नत किस्म के अच्छी खेती हम करना मैं करना चाह रहा हूँ। ये आप कोई खजूर का प्लान कर रहे हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, बाउंड्री के साथ साथ चारों तरफ खजूर का भी प्लान है। इसका आपका उद्देश्य कॉमर्शियली और घरेलू यूज के लिए दोनों है? हाँ, दोनों काम हो जाए। अच्छा, बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। जिस तरीके से हम लगातार हमारे यहाँ पर एक रिवाज है, गेहूं सरसों की ही पैदावार होती है जी, तो इसके माध्यम से बागवानी के माध्यम से जिन जिन ने भी किया है तो उसको फसल की उपज भी अच्छी मिली है और साथ में मुझे लगता है कि ऐसी जगह में आके सुकून भी मिलेगा, अपने घर के ताज़ा फल भी खा सकता है। आप किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से अब इस महामारी के समय लोग घरों में बंद रहे, बाहर खेतों में रह के काम करके, मुझे लगता है कि जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जब अपन रेशो देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, तो जो प्रतिशत है वो गाँव के लोगों का कम है इस बीमारी में भी। और ऑक्सीजन का जो अभी जिस तरीके से ऑक्सीजन लेवल घटा है इस बीमारी के कारण से, तो हमारे यहाँ पर नेचुरल ऑक्सीजन है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, खेतों में नहीं, खेतों के बाहर भी जहाँ भी जगह मिले हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने। मैं सबको निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए, जिस तरीके से फेफड़े ख़राब हुए हैं लगातार, इसमें भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी में इतना पॉल्यूशन है, सबसे ज़्यादा जो असर आया है दिल्ली NCR में आया है इस बीमारी का, और जो ज़्यादा नुकसान करके गई है, कैजुअल्टीज़ भी जहाँ ज़्यादा हुई है वो भी दिल्ली NCR के आसपास का जो एरिया उसमें हुआ है, और उसका प्रमुख कारण जो मैंने महसूस किया वो पोल्यूशन है। पोल्यूशन के कारण से फेफड़े पहले से ही लोगों के ख़राब है और उनको ज़्यादा दिक्कत हुई है, क्रिटिकल जो पोजीशन जितनी भी है या जो कैजुअल्टीज हुई है वो NCR में ज़्यादा हुई है। हाँ, तो विधायक जी मैंने ये देखा है कि क्योंकि एक नर्सरी है मेरे पास, इससे मेरे को पता लगता है कि जो एजुकेटेड वर्ग है वो अब कोरोना के समय ज़्यादातर प्लांटेशन कर रहे हैं, उसका यही कारण कोरोना है या ऑक्सीजन है या वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं? दोनों कारण हैं। एक तो जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरा मानना तो यह है कि पहले भी कुछ गलतियां रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डेवलप करनी चाहिए थी। हमारे हिंदुस्तान की जो आबादी है 70% लोग खेती पर डिपेंड थे, पहले व्यापार भी खेती के आधार पर होता था, अनाज के बदले सामान, इस तरह का व्यापार हमारे हिंदुस्तान में चलता था। 70% आबादी देश की जो है खेती करती थी और खेती के पे ही व्यापार डिपेंड होता था, पर जो हमारा मूल काम था उस काम से हमको अलग कर दिया। हमारा युवा वर्ग आज खेती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो मेरे उनसे भी निवेदन है कि जो हमारी पुश्तैनी काम है, आज बेरोजगारी के आलम में दर दर ठोकर खाते हम घूम रहे हैं पर हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं चाहता हूँ कि सरकारें भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डेवलप करें ताकि हमारा जो पुश्तैनी काम है उस काम को भी बल मिलेगा और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इस मामले में सरकार को और ज़्यादा अच्छे उचित कदम उठाकर
फसलों के भाव अच्छे मिले ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके। और जो खेती का जो काम, जो युवा हमारे उस भटक गए थे पूरा खेती को, एक तरीके से ये लगाओ कि आप बिल्कुल ही निम्न स्तर का काम माना जाता रहा है, पर जब सरकार इसमें मदद करेगी, सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे, लोगों को प्रेरित करे, ताकि वातावरण भी शुद्ध रहेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और लोगों की कमाई भी होगी। सर, ये जो गेहूं, बाजरा, सरसों वगैरह बो रहे हैं और एक बागवानी, इसको आप किस तरह देखते हैं, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है? अपनी इम्पोर्टेंस है, बट जिस तरीके से जो हमारी पारंपरिक खेती है उसमें आप सबने देखा है कि आज पूरे अपन पूरा रिसर्च करें, पता नहीं क्यों बहुत सालों से कुछ अपन करने के बारे में, अपन ने कुछ अलग करने के बारे में नहीं सोचा, और जो लोग ये कर रहे हैं उन किसानों की हालत अच्छी नहीं है। लगातार अपन इस पर सर्वे करवाएंगे तो जो पारंपरिक खेती है उसके कारण से किसान नीचे आता चला गया, जो किसान खेती के कारण से जिसकी एक रुतबा होता था, जिसके पास अनाजों का भंडार होता था, जिसके पास बहुत बड़ा एक जो जमींदार जागीरदार जो लोग होते थे उनके पास बहुत बड़ा सेटअप होता था, आज वही किसान खेती के कारण से नीचे स्तर पर आता चला गया और आज हालात ये है कि वो अपना जीवन यापन भी अच्छे से गुजर बसर नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि ये अच्छा विकल्प है बागवानी? बागवानी अच्छा विकल्प है हमको। मैंने अभी आपको कहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। अब एक अपन बात करते हैं आलू की जी। आलू को हम यहाँ से किसान जाएगा 5 रुपये किलो बेचेगा, उसी आलू को खुद ही 20 रुपये किलो खरीद के लाएगा, फिर उसकी चिप्स हमारे बच्चे 100 रुपये में खरीद के लाते हैं। मेरा तो मानना है कि सरकार को पेटेंट करना चाहिए, किसान का माल किसान को सब्सिडी देकर, किसान को लोन देकर, आलू हमारा है तो चिप्स भी हम ही बनाए, इसका पेटेंट किसान को होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जी। धन्यवाद।